हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं डिस्कशन रिगार्डिंग पंजाब पटवारी एग्जाम एनालिसिस। बिल्कुल जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, बिल्कुल वो समय आ चुका है, पेपर हो चुका है। और आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा, पेपर काफी आसान देखा गया। तो आई होप कि कंप्यूटर जो मैंने आपको पढ़ाई, बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और काफी आसान लेवल के ये क्वेश्चंस थे, जहां पर आप लोग ने 15 आउट ऑफ  15 कंप्यूटर में किया होगा। तो बिल्कुल अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उन क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए था। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, अगर आपने पंजाब एसआई का फॉर्म फिल किया हुआ है या पंजाब की किसी भी एग्जाम में आप देने जा रहे हैं पेपर, और वहां पर कंप्यूटर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आप जानते हैं बहुत ज्यादा है और स्कोरिंग भी है, तो अगर आप कंप्यूटर का एक कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, जहां पर आप हर एक चैप्टर पूरे कॉन्सेप्ट वाइज और एमसीक्यू वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच सिर्फ 500 रुपीज का है, जहां पर आपको बेसिक से लेके कंप्लीट कंप्यूटर का सिलेबस करवाया गया है। 1 जुलाई से ये बैच स्टार्ट था, 4 अगस्त को ये बैच खत्म हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, गारंटीड क्वेश्चन आएगा तो यहीं से, यही मैं बोलता हूं और ऐसा हुआ भी है। तो चलिए देखते हैं, बाकी अगर इस बैच से आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवेन है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक गिवेन है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और साथ में अगर कोई डाउट है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस शानदार एनालिसिस को। हैव अ लुक गाइस। ये रहा पहला क्वेश्चन जो आज के सेशन में देखा गया, जो आज के आपके एग्जाम में देखा गया पंजाब पटवारी में, वो क्या है। ऑल द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन, यानी जितनी भी लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो कंप्यूटर करता है वो कहाँ पर होती है। सिस्टम बोर्ड में, सीपीयू में, सेंट्रल सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, या फिर मदरबोर्ड में। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम लोग जानते हैं कि जितनी भी लॉजिकल या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि आपकी सीपीयू का पार्ट है। तो नो डाउट कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सीपीयू होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन कंप्यूटर का नहीं है। गैदरिंग डेटा, क्या कंप्यूटर डेटा को गैदर करता है, बिल्कुल करता है। प्रोसेसिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये भी सही है, प्रोसेसिंग करना भी कंप्यूटर का काम है। एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर कभी भी डेटा को एनालाइज नहीं करता। स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आपका रॉन्ग आंसर बन रहा है वो क्या है, एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। और यही पूछा भी गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो बिल्कुल सी यहां पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अभी तक आपको आसान लग रहा होगा और आसान ही है पेपर। डिलीट की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द डैश ऑफ द कर्सर। जो डिलीट की होती है वो कैरेक्टर को रिमूव करती है कर्सर के किस साइड से, लेफ्ट राइट बोथ ए एंड बी या सेंटर से। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि डिलीट की का यूज राइट साइड ऑफ द कर्सर से कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो राइट यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। तो काफी आसान सा क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स अ स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड। कह रहा है ईमेल अकाउंट में हम लोग जानते हैं जहां पर हमारे मेल्स स्टोर होते हैं बेसिकली, उस पार्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या आईपी एड्रेस।
एब्सोल्युटली यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था मेलबॉक्स, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टोरेज एरिया कहलाता है ईमेल का, वो क्या है? मेलबॉक्स है। नेक्स्ट देखिए, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो लाइन ब्रेक हम किससे कर सकते हैं, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, या किसी में भी लाइन ब्रेक की बेसिकली बात हो, प्लेटफॉर्म कई सारे हैं। तो हम जानते हैं कि लाइन ब्रेक अगर हमें मेनली एमएस वर्ड में करनी हो, तो शिफ्ट के साथ एंटर हम प्रेस करते हैं, यानी फर्स्ट यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और हमने आपको बताया भी था कि अगर लाइन ब्रेक आए तो शिफ्ट के साथ एंटर होगा, और अगर पेज ब्रेक पूछें तो कंट्रोल के साथ एंटर होगा, है ना। तो यहां पर लाइन ब्रेक पूछा गया है, लेकिन अगर यहां पर पेज ब्रेक होता तो आंसर क्या होता? कंट्रोल के साथ एंटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय। कह रहा है सीपीयू के द्वारा जो मूवमेंट होता है, यानी सिग्नल्स जो मूव करते हैं सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच में, उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो बेसिकली सीपीयू में जितनी भी कंट्रोलिंग है वो सब कंट्रोल यूनिट के द्वारा होती है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? बी, यानी कंट्रोल यूनिट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आई होप सो कि आपके सारे आंसर सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच। कह रहा है डिजिटल वॉच में किस तरीके का कंप्यूटर होता है? बेसिकली मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड या नोटबुक कंप्यूटर। तो ये भी हमने आपको बताया था कि जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं बेसिकली, या डिजिटल वॉच है या एटीएम मशीन है, इनको एक तरीके से एम्बेडेड कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कैसी मेमोरी है? तो हम लोग जानते हैं चाहे वो पेन ड्राइव हो या एसडी कार्ड हो, यानी सिंक्रोनस डिजिटल कार्ड हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी चाहे हम यहाँ पर पेन ड्राइव की बात करें या एसडी कार्ड की बात करें, सिक्योर डिजिटल कार्ड की बात करें, तो इसको हम लोग फ्लैश मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। बहुत पॉपुलर है, आपने कई बार सुना होगा कि फ्लैश मेमोरी को क्या बोलते हैं। तो आंसर है पेन ड्राइव, या फिर फ्लैश मेमोरी को एसडी कार्ड भी बोलते हैं, या फिर इसको उल्टा भी आप कह सकते हैं कि पेन ड्राइव एंड एसडी कार्ड इज कॉल्ड एज फ्लैश मेमोरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू द सर्वर ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही सिंपल है। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू द सर्वर, यानी सर्वर पर इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं? अपलोड करते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी, दैट इज अपलोडिंग। और इसका ठीक उल्टा अगर हम देखें, सर्वर से अपने कंप्यूटर पर डेटा को डाउनलोड करते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट होता है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का। तो यहां पर हम अपने सिस्टम से सर्वर पर डेटा को भेज रहे थे, जिसको अपलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर सोलेमोन एंड दी मैकेफी आर पॉपुलर। तो हम लोग जानते हैं ये क्या है, एंटीवायरस है। मैकेफी काफी पॉपुलर है, डॉक्टर सोलेमोन भी काफी फेमस है, तो ये आपके बेसिकली क्या है? एंटीवायरस है। अगेन आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मल्टीमीडिया स्टिमुलेट ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मल्टीमीडिया क्या स्टिमुलेट करता है? मेमोरी को, बिल्कुल सही। साइट, ये भी सही है। साउंड को भी स्टिमुलेट करता है, लेकिन इमेजेस को स्टिमुलेट नहीं करता, क्योंकि नेचुरल ऑर्गेन्स को स्टिमुलेट किया जाता है। तो इमेजेस यहां पर बिल्कुल गलत आंसर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। यानी वेब पेज पर एक ऐसा बेसिकली लाइन जिस पर क्लिक करने से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस या यूआरएल। तो बहुत ही सिंपल है, उसे हम हाइपरलिंक के नाम से जानते हैं, या नॉर्मली लिंक भी बोलते हैं। तो यहां करेक्ट आंसर आपका क्या है? बी, दैट इज हाइपरलिंक। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए,
इन एम एस वर्ड सुपर स्क्रिप्ट कॉमा सब स्क्रिप्ट कॉमा स्ट्राइक थ्रू आर नोन एज। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं और आप जानते हैं हमने आपको बताया था कि सुपर स्क्रिप्ट हो चाहे सब स्क्रिप्ट हो या स्ट्राइक थ्रू हो, इनको फॉन्ट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, दैट इज फॉन्ट इफेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन विल बी यूज टू एंटर करंट टाइम इन वर्कशीट सेल, यानी करंट टाइम को एंटर करने के लिए वर्कशीट में किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ने यह भी डिस्कस किया था कि नाउ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, करंट डेट और टाइम दोनों को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, नाउ इज द करेक्ट आंसर गाइस, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच साइन इज यूज टू स्पेसिफाई अ सेल रेंज, कह रहा है सेल की रेंज के लिए किस साइन का किस सिंबल का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो एम एस एक्सेल में जब भी हमें सेल की रेंज को डिफाइन करना होता है तो हम वहां पर कॉलन का इस्तेमाल करके सेल की रेंज को डिफाइन करते हैं। तो ये हैं आपके बेहतरीन 15 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए और आई होप कि आपने ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे। देखिए अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो नो डाउट कि सारे आंसर्स आप कर पाएंगे, क्योंकि इससे बाहर तो एग्जामिनर दे ही नहीं सकता। और सबसे बढ़िया बात है कि आपको सिलेबस पता है कि यहीं से क्वेश्चन आना है, तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो मैक्सिमम स्कोर यहां पर आपने किया होगा। बाकी अगर आप एक फुल फ्लेज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या पंजाब के आने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। जो आपने मेहनत करी बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो, यही हमारा सपना है और यही आपका भी सपना है। थैंक यू वेरी मच गाइस, अगर सेशन पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस, आपका फीडबैक और कितने आंसर आपके करेक्ट हुए, गलत हुआ तो कौन सा आंसर आपसे गलत हुआ, ये सब चीजें आप बिल्कुल हमें शेयर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।